दमदार मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी के साथ नया बोलेरो नियो। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने भारत में लोकप्रिय एसयूवी बोलेरो का बिल्कुल नया अवतार न्यूलुक बोलेरो न्यू को लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, इस कार का बाजार में लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। कहने की जरूरत नहीं कि महिंद्रा बोलेरो खास तौर पर ग्रामीण परिवेश में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एसयूवी कार है। इस कार की डिजाइनिंग की बात करें तो इस कार को बिल्कुल सेम एज डिक्टोकॉपी टीयूवी 300 कार का लुक दिया गया है, या माने कि टीयूवी 300 की जगह पर बोलेरो न्यू को लॉन्च किया गया है। बोलेरो ने भारत में 20 साल पूरे कर लिए हैं, इसलिए ग्राहकों को लंबे समय से ये इंतजार था कि इसमें कोई ना कोई बदलाव किया जाए, और बदलाव की मांग थी जो कि बढ़ती जा रही थी। इसलिए कंपनी ने इस कार को मॉडिफाई कर टीयूवी 300 की जगह पेश किया है। वहीं दूसरी तरफ बीते करीब 1.5 साल से बाजार में टीयूवी 300 अवेलेबल नहीं थी। जानकारों का मानना है कि कई राज्यों में पुलिस और अन्य सर्विस विभागों द्वारा टीयूवी 300 का इस्तेमाल किए जाने की वजह से ये कार सामान्य ग्राहकों को उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। ग्राहकों की तरफ से एक और डिमांड थी कि बोलेरो कार में पीछे की तरफ मास्टर जो सीट होती है वो दी जाए, लेकिन इस न्यू बोलेरो में सीट्स का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सेम डिक्टो कॉपी जो कि ओल्ड बोलेरो है उसी के जैसा है। सीट के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज कंपनी की तरफ से नहीं किया गया है। हालांकि सीट्स को काफ़ी हद तक मॉडिफाइड किया है, एक नया VIP लुक दिया है। इसके अलावा कार में एयर बैग्स भी दिए गए हैं और कुछ नए सेंसर भी लगाए गए हैं। कार के प्लेटफॉर्म की बात करें तो कंपनी ने न्यू बोलेरो के बारे में बयान जारी कर कहा कि इस कार को उसी क्लासिक 3G प्लेटफॉर्म पर ही तैयार किया गया है जिस पर कंपनी की अन्य यानी अदर SUV जैसे स्कॉर्पियो हो गई, थार और कई जो गाड़ियां जो तैयार की जाती हैं उस प्लेटफॉर्म पर उसी को इस बोलेरो को तैयार किया गया है। एमहॉक इंजन के साथ तैयार किया गया है टीयूवी 300 के जैसा। कार में अलॉय व्हील्स हैं, कई कलर्स के साथ लॉन्च किया है, टू व्हील ड्राइव के साथ लॉन्च किया गया है। इसी के साथ कंपनी का दावा है कि ड्राइव करते समय थकावट जैसी फीलिंग्स नहीं होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।